भले ही भारत की आज़ादी को लेकर गांधी जी पर गीत लिखे गए हों, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बिना रक्त की एक बूंद बहाए, बिना कोई बलिदान दिए, केवल अहिंसात्मक आंदोलन मात्र से भारत को आज़ादी दिला दी। बल्कि देखा जाए तो लाखों क्रांतिकारियों के प्राणों के बलिदान का परिणाम भारत की स्वतंत्रता है। आज हम एक ऐसी ही बलिदानी वीरांगना का किस्सा लेकर आए हैं जिसके रक्त की बूंद बूंद में स्वतंत्रता की चिंगारी थी और अथाह जज्बा था। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने हाथों विधवा बनी, अपने हाथों अपना सुहाग उजाड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ भारत माता की गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए। वीर बलिदानी के स्पेशल एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज़ादी के इतिहास को कुरेदने से पता चलता है कि गुलामी काल में जिन्होंने अपने पेट और अपने स्वार्थ की चिंता से दूर अंग्रेजों से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राण दे दिए, उनको भुला दिया गया, और जिन्होंने अंग्रेजों के साथ उनके महलों में लंच डिनर किया, उनके साथ हवाई जहाज पर घूमे, आज़ादी के नाम पर जिन लोगों ने लाठी तो छोड़िए, तबीयत से एक पत्थर भी अंग्रेजों की तरफ कभी नहीं उछाला, उन्हीं दो चार लोगों को भारत के बापू, चाचा, गुरुदेव और मदर आदि जैसे नामों से नवाजा गया। इसी के विपरीत भारत की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने वालों को कहीं गुमनामी की मौत मिली तो कहीं आज़ादी के बाद सड़कों पर फूल बेचकर अपना जीवन बिताने की विवशता। इन्हीं गुमनाम महान क्रांतिकारियों में से एक महिला क्रांतिकारी थी नीरा आर्या। नीरा का जन्म 5 मार्च 1902 तत्कालीन संयुक्त प्रांत के मेरठ जिले के खेकड़ा गांव में हुआ था। वर्तमान में खेकड़ा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बागपत जिले का एक कस्बा है। आज़ादी के बाद नीरा जी का जीवन सड़क किनारे फूल बेचते हुए बीता। नीरा आर्या की कहानी रूह को कपाने वाली है। नीरा आर्या और उनके भाई वसंत कुमार दोनों ही आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे। नीरा आर्या का पूरा जीवन संघर्ष, थ्रिल और सस्पेंस का मिश्रण है। नीरा आर्या एक महान देशभक्त, क्रांतिकारी, जासूस, संवेदनशील लेखक, जिम्मेदार नागरिक, साहसी और स्वाभिमानी महिला थी जिन्हें गर्व और गौरव के साथ याद किया जाता है। नीरा आर्या ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्राणों की रक्षा के लिए सेना में भर्ती अपने अफसर जयकांत दास की हत्या कर दी थी। मौका देखकर जयकांत दास ने सुभाष चंद्र बोस पर गोलियां दागी, लेकिन वो गोली सुभाष बाबू के ड्राइवर को जा लगी। लेकिन इसी दौरान नीरा आर्या ने अपने पति जयकांत दास के पेट पर खंजर घोप कर हत्या कर दी और सुभाष बाबू के प्राणों की रक्षा की। अपने पति की हत्या करने के कारण सुभाष बाबू ने नीरा आर्या को नागिन नाम दिया। आज़ाद हिंद फौज के समर्पण के बाद जब दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चला तब आज़ाद हिंद फौज के सभी सिपाही बरी कर दिए गए, लेकिन नीरा आर्या को अपने अंग्रेज अफसर पति की हत्या के आरोप में काले पानी की सजा सुनाई गई तथा उन्हें घोर यातनाएं दी गईं। नीरा लिखती हैं कि जब कोलकाता जेल में थी तो हमारे रहने का स्थान वे ही कोठरियाँ थी जिनमें अन्य महिला राजनीतिक अपराधी या तो रही थी या रहती थी। हमें रात के 10 बजे कोठरियों में बंद कर दिया गया और चटाई कंबल आदि का नाम भी सुनाई नहीं पड़ा। मन में चिंता होती थी कि क्या इसी प्रकार की स्वतंत्रता गहरे समुद्र में अज्ञात द्वीप में मिलेगी, कि अभी से ओढ़नी अथवा बिछौने का ध्यान छोड़ने की आवश्यकता पड़ी है। जैसे तैसे जमीन पर ही लोट लगाई और नींद भी आ गई। लगभग 12 बजे एक पहरेदार दो कंबल लेकर आया और बिना बोले चाले ही ऊपर फेंक कर चला गया। कंबलों का गिरना और नींद का टूटना भी एक साथ ही हुआ। बुरा तो लगा, परंतु कंबलों को पाकर संतोष भी आ ही गया। अब केवल वही एक लोहे के बंधन का कष्ट और रह रहकर भारत माता से जुदा होने का ध्यान साथ में था। सूरज निकलते ही मुझको खिचड़ी मिली और लुहार भी आ गया। हाथ की सांकल काटते समय थोड़ा सा चमड़ा भी कटा, परंतु पैरों में से आड़ी बेड़ी काटते समय केवल 2-3 बार हथौड़ी से पैरों की हड्डी को जांचा कि कितनी मजबूत है। मैंने एक बार दुखी होकर कह ही दिया, क्या अंधा है जो पैर में मारता है? पैर पर क्या, हम तो दिल में भी मार देंगे, क्या कर लोगी? उसने मुझे कहा। बंधन में हूँ, तुम्हारा कर भी क्या सकती हूँ? फिर मैंने उनके ऊपर थूक दिया था।
कि औरतों की इज्जत करना सीखो। जेलर भी साथ थे तो उसने कड़क आवाज में कहा, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा यदि तुम बता दोगी कि तुम्हारे नेताजी सुभाष कहाँ हैं। वे तो हवाई दुर्घटना में चल बसे, मैंने जवाब दिया। सारी दुनिया जानती है नेताजी जिंदा हैं। झूठ बोलती हो तुम कि हवाई दुर्घटना में मर गए, जेलर ने कहा। हाँ नेताजी जिंदा हैं। तो कहाँ हैं? मेरे दिल में जिंदा हैं वे। जैसे ही मैंने कहा तो जेलर को गुस्सा आ गया और बोले, तो तुम्हारे दिल से हम नेताजी को निकाल देते हैं। और फिर उन्होंने मेरे आंचल पर ही हाथ डाल दिया और मेरी आंगी को फाड़ते हुए फिर लुहार की ओर संकेत किया। लुहार ने एक बड़ा सा जंबूड़ औजार, जैसा फुलवारी में इधर उधर बड़ी हुई पत्तियां काटने के काम आता है, उस रिपर को उठा लिया और मेरे दाएं उरेस को उसमें दबाकर काटने चला। लेकिन उसमें धार नहीं थी, ठूंटा था, और ओरोजों को दबाकर असहनीय पीड़ा देते हुए दूसरी तरफ से जेलर ने मेरी गर्दन पकड़ते हुए कहा, अगर फिर जबान लड़ाई तो तुम्हारे ये दोनों गुब्बारे छाती से अलग कर दिए जाएंगे। उसने फिर चिमटानुमा हथियार मेरी नाक पर मारते हुए कहा, शुक्र मानो महारानी विक्टोरिया का, इसे आग में नहीं तपाया। आग से तपाया होता तो तुम्हारे दोनों उभार बुरी तरह उखड़ जाते। नीरा आर्या की कहानी पढ़कर जितना भी कोशिश कर लो, आंखों में आंसू टपक ही पड़ते हैं, रूह कांप जाती है। ऐसी कहानियां हमें बताती हैं कि हमारी माताओं बहनों ने अपना सब कुछ इस राष्ट्र के लिए न्यौछावर कर दिया था, जिनका नाम आज भी गुमनामी के अंधेरे में जिंदगी जी रहा है और लोग गीत गा रहे हैं, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।